Having recurring nightmares in which one makes little pianos for mice may be the result of some past life regression. The probable solution in overcoming this regression, which by the way might sound strange to some of you, is to either become a magician's assistant or start indefinite fasting at Jantar Mantar in Delhi. We personally recommend the first option. About the second one, even the present life regressor, Anna Hazare, is not sure of. Jai. एनी बेसेंट रोड में अचानक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, 20 फीट चौड़ा और 15 फीट गहरा। हाँ, एकदम रोड के बीच में, बिल्कुल 15 फीट भैया गहरा। मतलब हमें तो अब तक पता ही नहीं था कि एनी बेसेंट रोड एक्चुअली एनी बेसेंट ब्रिज था। मुंबई पुलिस को इन गड्ढों से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि अब लोग रास्तों पर गाड़ी चलाती ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। फुटपाथ पर लोगों को तो चलने से भी डर लगने लगा, सब ऐसे बिल्डिंग पकड़ पकड़ के चलते। बारिश का सीजन आते ही इस साल मुंबई में इतने पॉट होल्स हो गए हैं, इतने पॉट होल्स हो गए हैं जितने कि चेन्नई एक्सप्रेस में प्लॉट होल्स भी नहीं थे। रोड कोलैप्स पर कोई साधारण बात नहीं है। हाँ, इतना बड़ा गड्ढा अगर आया तो कैसे आया, यही सोचते हुए हमने डिसाइड किया कि किसी भी न्यूज चैनल से पहले हम यहाँ इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हमसे मेरा मतलब मैं नहीं किसी और को भेजते हैं। मैं कहाँ, वहाँ नीचे, यहाँ इतना काम है। यहाँ नहीं मतलब बीवी ने कहा है सब्जी लानी है, उस काम है भाई। तो एनीवे, मैंने वहां इन्वेस्टिगेटिव टीम भेजी थी, चलिए देखते हैं। सुमित, 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 अरे मैं नीचे तो आ गया लेकिन मेरा फोन ऊपर रह गया है। ओ गॉड, ओ गॉड, अरे फोन का क्या करोगे वहां, मैं रखता हूं फोन तुम्हारा। हाँ चलो आगे। अरे पर बाकी टीम कहां है, मैं यहां अकेले क्या करूंगा। अरे बाकी टीम मुंबई के यार, बाकी गड्ढों में लोग फंसे उनकी देखभाल मतलब वहां पे गई यार, ट्रैफिक जैम है। तुम यार छोड़ो ना यार, कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, तुम लगे रहो गोपी, पहले ये बताओ तुम्हें क्या क्या दिख रहा है वहां पर। कुछ भी नहीं दिख रहा है। अबे अंधे तो लाइट ऑन करके देख ले। ओ सॉरी, हाँ हाँ गोपी। हाँ क्या हुआ, तेरा अनलॉक कोड क्या है, मतलब गेम्स है क्या तेरे फोन में। अरे हाँ हाँ, एक सेकंड रुको रुको। अरे ओ माय गॉड, ये क्या है, कॉल एलोकेशन सुमित। अरे ये तो कॉल स्कैम की मिसिंग फाइल्स है यहाँ। हाँ कॉल स्कैम, तुम्हारा मतलब है हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक्चुअली कुछ ढूंढा है। हाँ हाँ, मैं ऊपर आता हूँ। नहीं 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 नहीं, तुम सुनो सुनो, तुम नीचे रहो और देखो कुछ मिलता है क्या वहाँ। हाँ हाँ, एक और फाइल मिली है। इस फाइल में लिखा है कि 2G स्पेक्ट्रम में एग्जैक्टली कितना लॉस हुआ है। ओ गॉड, कितना पता नहीं, इसमें बहुत सारे जीरोस हैं, शून्य हैं। हाँ अच्छा, आखिर जीरो लॉस स्कैम था। चलो छोड़ो उसे, देखो वहां पे कुछ और है क्या, ढूंढो। हाँ हाँ, लेट मी चेक। अरे लगता है सुमित सारे नेता यहाँ अपनी फाइल और पेपर यही छुपाते हैं आगे। अच्छा तो देखो, राहुल बाबा की डिग्री है क्या। एक सेकंड देखता हूँ। नहीं नहीं नहीं, वो तो नहीं मिली। हाँ वो तो मिल ही नहीं सकती। हेलो, हाँ मैं बस अभी घर ही आ रहा हूँ। नहीं सब्जी लेके आऊंगा ना। डार्लिंग पता है, कमाल करते हो। अभी, अरे अभी शो कर रहा हूँ यहाँ, कैसे बोलूँ। अच्छा पालक गोभी आलू धनिया टमाटर प्याज नहीं, प्याज नहीं, नहीं नहीं नहीं, उतनी हमारी औकात ही नहीं है भाई। हाँ
हाँ बस बस मैं आया आया अच्छा गोपी मैं चलता हूँ बाय। अरे अरे कोई है, अरे तुम जा रहे हो मुझे छोड़ के, अरे भाई यहाँ पे कोई है, लाइट भी चली गई यार अब। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी इन्वेस्टिगेशंस भी अब रिजल्ट लाने लगी है, हम सिर्फ तहलका नहीं मचाते पर अफसोस पता नहीं कैसे गोपी फाइल्स लेकर वापस नहीं आया। अच्छा किसी को पता है गोपी कहाँ गया? नहीं अब तो गड्ढा भर भी गया होगा। कोई बात नहीं अगली इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे हम। लेते एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद ओमपुरी मनीष तिवारी और इंडियन आर्चर्स, बट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक बजाओ। इन द फ्यूचर फूड सिक्योरिटी बिल अप्रूव हो चुका है और मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि हमारी सरकार हमारा कितना ख्याल रखती है। रीसेंट गवर्नमेंट रिपोर्ट्स तो आपने भी पढ़ी होगी, देश में पॉवर्टी अब सिर्फ 22% हो गई है, सिर्फ 22। ओमपुरी की वाइफ ने उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में असॉल्ट केस रजिस्टर किया है, पर जब पुलिस उनके घर आई तो ओमपुरी गायब थे। ओमपुरी जी, औरत पर हाथ उठाने की आपकी गलती तो हम माफ नहीं कर सकते, पर हाँ बीवी से भागने का एक्सपीरियंस मुझे भी है, डर तो हम सबको लगता है। वापस आ जाओ, लोग पहचानते हैं आपको, हाँ आप एक्टर हो। इंडिया में तो तुषार कपूर भी सक्सेसफुली गायब नहीं हो सकता, आप कहाँ जाओगे? मनीष तिवारी ने कहा कि जर्नलिस्ट को एंट्रेंस एग्जाम देना चाहिए बेटर जर्नलिस्ट बनने के लिए, और अब जर्नलिस्ट भी चाहते हैं कि पॉलिटिशियंस एग्जाम ले। देखा, इस बात से पता चलता है इंडियन जर्नलिज्म के स्टैंडर्ड्स सच में गिर गए। जनरल नॉलेज भी होती तो उन्हें पता होता कि हमारे नेता जो ठीक से लिख पढ़ नहीं सकते, अकाउंट्स बैलेंस नहीं कर सकते, लॉस और प्रॉफिट में डिफरेंस नहीं समझते, वो एग्जाम्स कैसे देंगे? देखो मन्नू जी तो ओरल सेक्शन में फेल हो जाएंगे। कैंडिडेट ओनली विस्पर्स कैन नॉट बी हर्ड। राहुल गांधी बोलेंगे कि वो एग्जाम लेने का गेम चेंजिंग आइडिया लाएंगे और फिर एग्जाम में पहुंचेंगे भी नहीं। कैंडिडेट वॉज फाउंड हॉलीडे इन यूरोप। शिंदे जी फेल भी हो गए तो उनकी गलती नहीं होगी क्योंकि हर एग्जाम में आईएसआई का हाथ होता है। कैंडिडेट इज ओनली अ फुट सोल्जर ऑफ कांग्रेस पार्टी। और कौन बचा? कपिल सिब्बल, उनके पास तो ऑलरेडी आंसर्स है क्योंकि वो तो ऑनलाइन हैक सॉरी ट्रैक करके ही एग्जाम के क्वेश्चंस चुरा सकते हैं। कैंडिडेट डज नॉट अंडरस्टैंड कि लॉस क्या होता है। इंडियन आर्चर्स ने अभी आर्चरी का वर्ल्ड कप जीता, पर न्यूज कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर्स ने हमारी वर्ल्ड नंबर 2 रैंक्ड आर्चर जो कि सिर्फ 18 साल की है दीपिका कुमारी को हरास करके रुला दिया। रिपोर्टर नाराज थे कि एक तो हम आपको अटेंशन दे रहे हैं और फिर आप खुश नहीं हैं। आई मीन हु द हेल डू यू थिंक यू आर, क्रिकेटर, पॉलिटिशियन, एक्टर? इंडिया में, हेलो सुनिए, इंडिया में सिर्फ यही 3 VIP क्लासेस है मैडम, हाँ बाकी सब बकवास है। 18 साल की दीपिका से हम यही कहना चाहेंगे, थैंक यू वेरी मच फॉर योर परफॉर्मेंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। स्पीकिंग ऑफ परफॉर्मेंस, इन द फ्यूचर फूड सिक्योरिटी बिल अप्रूव हो चुका है और मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि हमारी सरकार हमारा कितना ख्याल रखती है। रीसेंट गवर्नमेंट रिपोर्ट्स तो आपने भी पढ़ी होंगी, देश में पॉवर्टी अब सिर्फ 22% हो गई है, सिर्फ 22। और कांग्रेस स्पोक्स पर्सन श्री राज बब्बर ने कहा है कि मुंबई में 12 रुपए में खाना मिल सकता है और दिल्ली में सिर्फ 5 रुपए में। फिर भी जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है तो हमारी सरकार ने फूड सिक्योरिटी बिल से इंडिया की 67% पॉपुलेशन के लिए राइस, वीट और कोर्स सीरियल्स के दाम इतने कम कर दिए हैं। 67% पॉपुलेशन जब उनके एस्टिमेट से सिर्फ
22% पॉवर्टी लाइन के नीचे है। वाह सोनिया जी, वाह वाह, आप कितना ख्याल रख दिया जा रहा है। अच्छा, ये फूड सिक्योरिटी बिल सिर्फ गेहूँ चावल के लिए है या प्याज भी सस्ते में मिलेगी? ये बीवी को बोला था कि लेकर आऊँगा, पर क्रेडिट कार्ड की लिमिट ही एक्सपायर होगी प्याज खरीदते खरीदते। मीनवाइल सुषमा स्वराज ने कहा है कि फूड सिक्योरिटी बिल हाफ बेक्ड है, पर फिर भी उसे अप्रूव करना जरूरी था। हाफ बेक्ड क्या सुषमा जी, अब तो पूरी तरह अनबेक्ड रॉ खाना भी लोगों तक किसी तरह पहुंचाना तो मेहरबानी होगी। इंडियन गवर्नमेंट काफी खुश है कि डेंजरस टेररिस्ट अब्दुल करीम टुंडा पकड़ा गया। अजमल कसाब के एग्जीक्यूशन के बाद उसका 5-स्टार लॉकअप, उसका बावर्ची, उसके जो सिक्योरिटी गार्ड्स है, उसकी कैम वाली भाई, उसका मालिश वाला, इन सब का खर्चा यू नो चल ही जा रहा था। तो फाइनली उसके लॉकअप को इस्तेमाल करने वाला कोई तो आया है। एमपी नवजोत सिंह सिद्धू अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी अमृतसर में दिखाई ही नहीं देते, बल्कि बात इस हद तक पहुंच गई है कि अमृतसर के एक एनजीओ ने शहर में पोस्टर लगाया है कि क्या आपने हमारे एमपी सिद्धू जी को कहीं देखा है, अगर कहीं मिले तो इस तरफ भेजिएगा। ये खबर जब नवजोत सिद्धू को दी गई तो उन्होंने जवाब दिया, ओ गुरु मान गए गुरु, ओ ठोको ताली खटाक। जब उन्हें पोस्टर के साथ अटैच 2 लाख रुपए के अवार्ड की खबर मिली तो उन्होंने तुरंत मेक माई ट्रिप में अपनी फ्लाइट्स बुक कर ली, अमृतसर से भागने के लिए नहीं, अमृतसर लौटने के लिए। वैसे ऐसे कहते हैं कि आजकल उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो फिल्म सिटी गोरेगांव है, वहीं पर पाए जाते हैं वो आजकल। रुपी वर्सेस डॉलर की फाइट पे रुपी अब अपनी वैल्यू लूज किए जा रहा है। यू नो हाल ही में रुपी ने एक यूएस डॉलर के अगेंस्ट 68 का भी मार्क क्रॉस कर लिया। इसका मतलब एक्सचेंज रेट भी कह रहा है कि रुपी अब तो रिटायर ही कर जाए। रुपये बेटा, हमें तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं, तुमसे ना हो पाएगा बेटा, ना हो पाएगा। ब्रिटिश पाउंड के अगेंस्ट तो रुपी ने 100 का मार्क भी क्रॉस कर लिया। फाइनली राहुल द्रविड़ के बाद कोई इंडियन आया जो इंग्लैंड के खिलाफ सेंचुरी बना सकता है। ममता बनर्जी ने डिसाइड किया है कि गवर्नमेंट कार्स की बत्तियां अब CPIM का लाल रंग नहीं बल्कि हरा रंग होंगी। यू नो ममता दी चाहती है कि उनकी गवर्नमेंट ग्रीन ड्राइव शुरू करे। आखिर हरा रंग नेचर फ्रेंडली होता है, हरा रंग अस्पताल में भी यूज होता है, और तेजी से जाती हुई गवर्नमेंट कार आपको हॉस्पिटल पहुंचाने का सबसे एफिशिएंट तरीका। आगे है इंडियन क्रिकेट ऑन हॉलिडे। यस, बजाओ, लेकिन ब्रेक के बाद बजाओ। देखिए मैडम, आज के फास्ट पेस दुनिया में आपको अपडेटेड रहना पड़ता है। मैं विश्वास करता हूं सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पर, यहां जैसी अनोखी और हाई क्वालिटी गालियां आपको कहीं नहीं मिल सकती। अगस्त में इंडियन क्रिकेट टीम ने कोई मैच नहीं खेली। शायद BCCI ने सोचा होगा कि हमारे क्रिकेटर्स भी जरा अपने घर वर में भी जाएं, बच्चे भी बड़े हो गए होंगे। एनीवे पूरा महीना इंडियन क्रिकेट टीम ने कोई मैच नहीं खेली, मतलब इतने महीनों सालों के बाद जो हमारे क्रिकेटर्स को फ्री टाइम मिला उसमें वो क्या कर रहे थे? गोपी के अचानक गायब हो जाने के बाद हमारी इन्वेस्टिगेटिव टीम थोड़ी छोटी हो गई थी, पर हमने उन्हें देश के कोने कोने में भेजा देखने के लिए कि हमारे क्रिकेटर्स अपने फ्री टाइम में क्या कर रहे हैं, रादर किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए। हेलो सर। हाय, हैव अ सीट। सो हाउ इज लाइफ? लाइफ लाइफ इज गुड। ओके, वर्किंग ऑन माय न्यू डिलीवरी, थिंकिंग ऑफ अ नेम। ओह, न्यू डिलीवरी सर, सो हाउ इज इट गोइंग टू बी, लाइक व्हाट काइंड ऑफ बॉल? आई डोंट नो, फर्स्ट आई हैव टू थिंक ऑफ अ गुड नेम। ओके, ऑरेंजेस खाओगे? नहीं, आप खाइए। अरे कोहली जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, कहीं एनरोल होने तो नहीं आए? देखिए मैडम, आज के फास्ट पेस दुनिया में आपको अपडेटेड रहना पड़ता है। मैं विश्वास करता हूँ सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पर,
यहां जैसी अनोखी और हाई क्वालिटी गालियां आपको कहीं नहीं मिल सकती। क्या चल रहा है यहां पे बेंच? तो शिखर जी, कैसे यूज कर रहे हैं आप अपना फ्री टाइम? मैडम, मेरा मूड सही लग रहा है ना जी? शिखर जी, हाँ सही है मूड। ये क्या है? अरे हरभजन जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत चंगा हूँ, तू बता। जी मैं भी। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। क्यों? नहीं, मतलब इंडियन टीम ने काफी दिनों से क्रिकेट नहीं खेला ना। क्रिकेट? हाँ क्रिकेट, हाँ याद आया, वो तो है। मैं अब भी टीम में आने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और एक दिन मेरा सपना पूरा होगा। हाँ, काफी दिन हो गए नहीं? अरे बाप रे, शेरचंद भागो! एक्चुअली ये इन्वेस्टिगेशन बीसीसीआई ने स्पॉन्सर की थी, पूरी झूठी रिपोर्ट है। एक्चुअली ये सब एड शूट में बिजी है। आगे है बकवास बोल पे हमला बोल, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कल फिल्में 200 करोड़ का बिजनेस कर रही हैं, आश्चर्य होता है। बच्चन साहब, ये बिजनेस तो दूसरे एक्टर्स की फिल्में कर रही हैं, आश्चर्य तब होता जब अभिषेक की करती है। सोनिया गांधी ने कहा कि फूड सिक्योरिटी बिल पहले कांग्रेस शासित राज्यों में लागू होगा। ये बात सही है, उन राज्यों में इतनी भूखमरी फैली है कि वहां इस बिल की सबसे ज्यादा जरूरत है। कलयुग में गधों ने धोबी के कपड़े धोना छोड़कर बयान देना शुरू कर दिया, इसी वजह से भर चुकी है बकवास प्रसाद की पोथी। और एक बार फिर मैं हाजिर हूँ गधों को याद दिलाने कि दुलत्ती हम भी मार सकते हैं। शुरू करो पलट जवाब बकवास बोल पे। राहुल गांधी को भेजा गया अंतिम टेलीग्राम। बहुत दुख की बात है, टेलीग्राम को अंतिम समय में राहुल गांधी का मुंह देखना। राहुल गांधी ने कहा देश तरक्की कर सकता है। हाँ, बस उसे कांग्रेस जैसी कुछ रुकावटों से दूर रखना होगा। मोदी ने कहा प्रतिभाओं को ढूंढना होगा। इस पर सोनिया गांधी ने कहा कि मैंने भी बड़ी मुश्किल से एक ऐसी प्रतिभा को ढूंढा जो सालों तक इशारों पर नाच सके। अमिताभ बच्चन ने कहा कि आजकल फिल्में 200 करोड़ का बिजनेस कर रही हैं, आश्चर्य होता है। बच्चन साहब, ये बिजनेस तो दूसरे एक्टर्स की फिल्में कर रही हैं, आश्चर्य तब होता जब अभिषेक की करती है। सोनिया गांधी ने कहा कि फूड सिक्योरिटी बिल पहले कांग्रेस शासित राज्यों में लागू होगा। ये बात सही है, उन राज्यों में इतनी भूखमरी फैली है कि वहां इस बिल की सबसे ज्यादा जरूरत है। देश में नदियों के बढ़ते जल स्तर से कई जगह बाढ़ का खतरा बढ़ा। एक्चुअली क्या है, नेताओं के गिरते स्तर से देश को ज्यादा खतरा है, नदियों के बढ़ते स्तर से नहीं। राजनाथ सिंह ने कहा कि वो कांग्रेस का बोरिया बिस्तर समेटना चाहते हैं। इस पर मनमोहन सिंह ने कहा कि ये काम वो स्वयं करेंगे, क्योंकि राहुल जी को किन चीजों की जरूरत पड़ेगी और पैकिंग कैसे करनी ये उनसे बेहतर और कोई नहीं जानता। कांग्रेस ने कहा मोदी आंकड़ों को बड़ा चढ़ा कर बताते हैं। हाँ, जैसे पिछले दिनों मोदी साहब ने कहा कि कांग्रेस को 100 सीटें मिल सकती है। राहुल गांधी ने कहा बीजेपी के लिए उनकी पार्टी का चैलेंज आसान नहीं होगा। अपने देश का जो सत्यानाश किया है, यहाँ से देश का भला करना उनके लिए वाकई चैलेंज का काम होगा। बीजेपी ने कहा कांग्रेस मोदी की सफलता को पचा नहीं पा रही है। इस पर कांग्रेस ने कहा कि पहले हम मनमोहन सिंह की असफलता को पचा ले, फिर उनकी सफलता के बारे में सोचेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष के साथ बहस में कांग्रेस के सांसद अपने काम गिनाए। इस पर सांसदों ने कहा है कि ये प्रक्रिया बहुत लंबी है, काम गिनवाने के लिए पहले काम करना होगा। राहुल गांधी ने कहा कि सारे कार्यकर्ताओं को एकजुट होना चाहिए। इस पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि बरसों से हम एकजुट होकर गांधी नेहरू परिवार की चापलूसी चमचागिरी कर रहे हैं, अब और कितनी एकजुटता दिखाएं। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा अडवाणी बीजेपी को 2 सीट से 200 तक लेकर आए। अगर थोड़ा और गिनाते तो ये कह सकते थे कि फिर से 200 से वापस 100 पर भी लेकर आए। महाराष्ट्र कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि लेडीज बार में कुछ नियमों को बदलना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नए नियमों के तहत यहाँ सांसदों का एक कोटा होना चाहिए।
बीजेपी के एक नेता ने कहा लेडीज बार बंद होने से कई पेट खाली रहे। इस पर मैं तो ये कहूंगा कि एकदम बेकार बात है यार। किसने कहा कि पेट भर दारू सिर्फ लेडीज बार में मिलती है? बस प्रभु बस बस, गला सूख गया। तो मुझे भी एक ड्रिंक चाहिए। हाँ हाँ हाँ, ड्रिंक तो मुझे भी चाहिए। ऐसा नशीला पदार्थ जिसे पीने के बाद मुझे गधों की ढेंचू ढेंचू भी 1960 की लता मंगेशकर जैसी। तब तक के लिए लेता हूँ विदा, फिर खोलेंगे कभी कभी बकवास की पीड़ा। जय कौन है आदमी? पता नहीं सर, डॉक्टर का एड्रेस ढूंढ रहा था सो ले आया सर। कौन है डॉक्टर? प्रद्युमन, बात बात पे शक करना बंद करो ना यार, तुम्हारी बीवी भी इसीलिए भाग गई।